नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को स्वीकारते हुए देशवासियों ने रात के 9:09 तक दिए, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुटता दिखाई। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक जगत और उद्योग जगत से लेकर खेल जगत की तमाम हस्तियों ने मोमबत्ती और दिए जलाकर ये बता दिया कि देश पीएम मोदी के साथ है और कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए एकजुट है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाते हुए नजर आए। यहां तक कि विपक्ष के कई नेताओं ने लालटेन जलाकर पीएम मोदी की अपील का स्वागत किया। यानी कि हर किसी ने धर्म, वंश, जाति से ऊपर उठकर कोरोना को हराने का संदेश दिया। चारों तरफ लोगों में दीपावली जैसा ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी बीच कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले मध्यप्रदेश के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कोरोना के अंधकार को मिटाने के लिए दीप जलाए और इस दौरान उन्होंने कहा कि अखंड भारत की ज्योति ने आज सकारात्मक ऊर्जा से विश्व को आलोकित कर दिया। इस कोरोना की महामारी का सामना हम सब संयुक्त रूप से करेंगे। जो आज हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ इस महामारी का सामना लॉकडाउन के समय में सब लोग साथ में मिलकर एक अखंड भारत के रूप में इसका सामना हम लोग साथ में करें। तो इससे पहले भी सिंधिया ने इंदौर की घटना के बाद इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की और इंदौर वासियों से घर पर ही रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन और अपील है कि लॉकडाउन के समय प्रशासन की ओर से लगाई गई सभी पाबंदियों का पूर्ण रूप से पालन करें। इंदौर और आसपास के क्षेत्र से जो आज वहां से ये कोरोना वायरस के संकट के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वे अत्यंत चिंताजनक हैं। समय है संयम का, समय है कि अधिक सावधानी बरतने का। आप सभी से मेरा निवेदन और अपील है कि इस लॉकडाउन के समय में प्रशासन के द्वारा लगाई गई सभी पाबंदियों का पूर्ण रूप से हम लोग पालन करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। मैं मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों और समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, उनका कृतज्ञ हूं, जो इन विषम परिस्थितियों में भी जनसेवा के लिए समर्पित हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की रात देशवासियों से दीप जलाने को कहा था, जिसका नजारा दुनिया ने देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास में खुद पीएम मोदी ने भी दिया जलाया, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके परिधान को लेकर खूब चर्चा भी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अवसर पर क्या पहनते हैं और किस तरह का संदेश देते हैं, इसको लेकर हमेशा चर्चा जारी रहती है। ऐसा ही कुछ रविवार को भी देखने को मिला, जब दीप प्रज्वलन के मौके पर पीएम मोदी नीला कुर्ता, सफेद धोती और गमछा डाले हुए नजर आए। पीएम मोदी के इस परिधान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। बता दें कि पीएम मोदी की अपील पर लोगों ने अपने घरों के बाहर रोशनी करने के लिए सुबह से इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। कोई दीपावली के बचे हुए दीपक ढूंढकर निकाल रहा था, तो कोई नए दीयों का जुगाड़ करने में लगा हुआ था। कोई परचून की दुकान पर जाकर कैंडल खरीद रहा था, तो कोई दीपक में लगाने के लिए बत्तियां बना रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने दोपहर से ही अपनी अपनी तैयारियों से जुड़े फुटेज शेयर करने शुरू कर दिए थे। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से देशवासियों ने कोरोना के खिलाफ एकजुटता के साथ जंग लड़ने का एक बड़ा संदेश दिया है, वो कोरोना पर जरूर भारी पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।